नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सीवान लोकसभा चुनाव से जुड़ी। जो खबर है वो आपको बताते चले कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। जी, आपको बता दें कि विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि अब हिना साहब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से राजद से काफ़ी ज़्यादा दूरी है और जेडीयू में आने की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ विराम हो चुका है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी हिना साहब। जाहिर सी बात है कि हिना साहब अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ती हैं तो सभी लोगों की जो लड़ाई होगी वो पूर्व सांसद की पत्नी हिना साहब से ही होगी, क्योंकि आपको बता दें कि आप 2009, 2014 और 2019 का अगर चुनाव देखेंगे तो जो चुनाव की जो लड़ाई रही है वो हिना साहब से ही हुई है, चाहे ओम प्रकाश यादव की हो या फिर कविता सिंह की। तो ये बड़ी खबर है कि अब सीवान सीट पर हिना साहब चुनाव लड़ेंगी और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगी, और इसको लेकर के जो विरोधी खेमे हैं उनमें खलबली मच जाएगी इस खबर को सुनकर। तो बताते चले कि अभी राजद ने पत्ता नहीं खोला है और एनडीए ने भी अभी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन कहा जा रहा था कि हिना साहब जेडीयू में जा सकती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अब ऐसा विराम लगते नज़र आ रहा है और विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि अब हिना साहब जो है वो सीवान लोकसभा सीट पर निर्दलीय भाग्य आजमा सकती हैं। सीवान हिना साहब की पकड़ जो है वो एक कही जाती है कि अच्छी खासी पकड़ है। मुस्लिम में तो पैठ जो है उनकी है ही, लेकिन उसके अलावे और भी जाति धर्म में अच्छी खासी हिना साहब की पकड़ है। तो इसको लेकर के अब जो भी समर्थक है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं और ये अब चुनावी मूड में हिना साहब आ चुकी है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जीरादेई जहां पर देश रत्न की धरती है वहां से हिना साहब ने अपने चुनावी दौरे की शुरुआत इधर के कुछ दिनों पहले ही कर दी थी। उसके बाद मैरवा में भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि हिना साहब सीवान सीट पर अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और कई लोगों को परास्त कर सकती हैं। हिना साहब ने सीधे तौर पर मंच से यह कहा था कि इस बार का चुनाव मैं हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़ रही हूं और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और मेरे लिए कोई भी रंग अलग नहीं है, सभी रंग मेरा अपना है, आप सभी लोग मेरे अपने हैं। तो एक बार फिर से बताते चले कि ये बड़ी खबर है कि हिना साहब जो सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है वो अब सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, और इसको लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। अब देखना होगा कि हिना साहब कब ऐलान करती हैं और किस तरीके से क्या कुछ उनकी तैयारी होती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सीवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सीवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। Daffodils School and Kids Zone Pre Nursery CBSE Curriculum announced free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding, 5 days a week, computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen compound Mahadeva Sivan, mobile number 9631724798.